नोटबंदी के बाद कहीं समर्थन और कहीं विरोध का दौर चल रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा भी हो सकता है। पहले तो उन्होंने खुद ही ऐसी आशंका जताई, अब एक बाबा ऐसी आशंका जता रहे हैं और लोगों से सलामती की प्रार्थना की अपील कर रहे हैं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री की जुबान से निकले इन शब्दों को सुनकर पूरा देश सकते में आ गया। परेशानी के बाद भी प्रधानमंत्री की इस पहल का समर्थन कर रहे लोग आशंकित हो उठे। आखिर कौन है जो प्रधानमंत्री की जान का दुश्मन बन सकता है? अब एक बार फिर से सुनिए पीएम मोदी के इन शब्दों को। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। आशंकाओं के आलम में एक ट्वीट ने फिर सनसनी मचा दी। ये ट्वीट था योग गुरु बाबा रामदेव का। उन्होंने लिखा है कि आतंकियों और माफियाओं से पीएम मोदी के जीवन को खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने नोटबंदी में पीएम का सहयोग करने और सलामती की दुआ करने की मांग की। आशंकाएं अपनी जगह हैं, लेकिन देश को पीएम की सर्वोच्च सुरक्षा पर यकीन है। पूरा देश भ्रष्टाचार के खात्मे में उनके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।